बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद नदीम और मैं हूं नदीम। नादरीन वेलकम करता हूं आज के शो में। नादरीन बात करेंगे कि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से एशिया कप 2022 के फाइनल का जो है ना बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है क्या कहा है इस हवाले से बात करेंगे, और बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने अपना जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाना है उसमें कौन से खिलाड़ी उनके शामिल है, कौन सा कैप्टन होगा, बड़ी हैरान कौन उन्होंने तब्दीली की है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का आज मैच होना है और पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, और इसको लेकर उमर गुल ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, उस हवाले से बात करेंगे। तो प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं और रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा जब रात को मैच हारने के बाद तकरीबन आलमोस्ट सारे यही कह रहे हैं कि इंडिया आउट हो चुका है और इंडियन टीम में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। वो कुछ कह रहे हैं कि ईशान किशन को वापस लाया जाए, कुछ कह रहे हैं कि शिखर धवन को जो है ना वापस लाया जाए क्योंकि वो मुसलसल जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कंसिस्टेंट जो है ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनकी रन बनाने की रफ्तार बहुत अच्छी है। ईशान किशन एक जो है ना उभरता हुआ टैलेंट है इंडिया के अंदर और लिफ्टी है, स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है, पावर प्ले के अंदर अच्छी गेम करता है। फिर इसके अलावा उन्होंने साथियों से पूछा कि क्या इंडिया आप भी फाइनल तक पहुंच सकता है, तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन अभी कोई भी टीम कन्फर्म नहीं है एशिया कप के फाइनल के लिए, अभी मैचेस बहुत सारे हैं और तकरीबन अभी पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर नज़र है, अफगानिस्तान की टीम के ऊपर नज़र है, श्रीलंका का आखिरी जो मैच है, श्रीलंका तो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गई है कि वो फाइनल खेलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ मसला ये है कि स्ट्राइक रेट का मसला आ सकता है, रन रेट का मसला आ सकता है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा है कि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान इंडिया का फिक्र ना करो आप लोग, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल होगा और फाइनल भी होगा और धड़ाधड़ फाइनल होगा, लेकिन इसके चांसेस अभी बहुत कम हो गए। किस जिस तरह से इंडिया प्रेशर इंडिया के मीडिया पर बातें की जा रही हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया की टीम फाइनल जो है ना फाइनल से बाहर होगी या फाइनल की दौड़ से, तो देखते हैं कि आखिरी मैच उनका भी रहता है और पाकिस्तान आज किस तरह से परफॉर्मेंस करती है उस पर मैं बात भी करूंगा कि अफगानिस्तान के कोच उमर गुल ने पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान के हवाले से क्या प्लान तश्कील दिया, उस हवाले से भी बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट देखें इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, पाकिस्तानी फैंस भी यही दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का फाइनल होना चाहिए क्योंकि एशिया कप की जितनी भी तारीख है 38 ईयर हो गए हैं ऑलमोस्ट और पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का फाइनल कभी भी नहीं हुआ एशिया कप में, और अगर एशिया कप का ये फाइनल होता है तो लोग जो है ना अपना सर तोड़ेंगे टिकटों के लिए, ग्राउंड खचा खच भरा होगा, हर तरफ जो है ना पाकिस्तान इंडिया की बात होगी और एक अलग सी माहौल क्रिएट हुआ होता है, वर्ल्ड कप की तरह होगा। तो बहुत सारे फैंस चाहते भी हैं, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का फाइनल हो एशिया कप 2022 का, लेकिन अभी आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अलावा आने वाले जो जितने भी मैचेस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और एशिया कप के हवाले से कि टीमें कैसी परफॉर्मेंस देती हैं। लेकिन सबसे मसला आज ये है कि उमर गुल ने सबसे बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का जो मैच होना है आज तकरीबन शारजा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर होगा ये मैच, और उमर गुल ने कहा है कि रिजवान और बाबर आजम के लिए हम लोगों ने प्लान तैयार किया हुआ है। यू नो कि आप देख सकते हैं कि जितने भी मैचेस हुए चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हों, क्योंकि बराह रास्त मैचेस होते हैं ये वाले आमने सामने टीमें होती हैं, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम दिया है 2018 के एशिया कप में देख लें, और वहाँ पे भी उमर अकमल और शुएब अली अगर परफॉर्मेंस न देते तो पाकिस्तान को इन्होंने लेग डाउन कर दिया था। और अभी आप ये भी देख सकते हैं कि 1-2-3 जो है ना उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर उनके जो है ना अगर आप बात करें लोअर मिडल ऑर्डर में उनके ऑलराउंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, राशिद खान भी हैं उनके पास, तो 1-2-3-4 इनकी बैटिंग 5 तक इनकी मजबूत है। हाँ, अगर उसके बाद अगर बात करते हैं लोअर मिडल ऑर्डर में सिर्फ एक इनका ऑलराउंडर है जो डेंजरस साबित हो सकता है, वो है राशिद खान, जो बैटिंग में भी करके देते हैं और बॉलिंग में भी सर्वाइव करता है अपनी टीम के लिए। तो पाकिस्तान के लिए हालात जो है नॉर्मल भी हैं, ईजी भी नहीं है, और पाकिस्तान ने अगर ईजी लिया अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ईजीली हार जाएगा, लेकिन हम प्रिडिक्ट करते हैं जैसा कि पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह शिकस्त देगा अफगानिस्तान को और बड़े बुरे तरीके से शिकस्त देगा, पाकिस्तान अपना नेट रन रेट बेहतर करेगा और आज बहुत सारी चीज़ें जो है ना फाइनल हो जाएंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का एशिया कप का फाइनल होगा, अदरवाइज अगर आप अगर मगर की बात करते हैं तो फिर इंडिया के चांसेस बनते हैं, इंडिया अगर बहुत बुरे तरीके से अगर मोहित हो जाए मेरिकल हो जाए तो फिर इंडिया फाइनल में पहुंच सकता है जैसे कि बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उमर गुल ने कहा है कि मैंने प्लान तश्कील दिया हुआ है रिजवान और बाबर आजम के लिए, तो देखते हैं कौन सा प्लान है, उनका प्लान काम करता है कि नहीं करता, डिपेंड ऑन द टॉस,
टास जो है ना इस टाइम पे बॉस बना हुआ है, रियल बॉस बना हुआ है पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर। जो भी टीम टास जीतती है वही मैच भी जीतती है। तो इसके हवाले से बात करते हैं, फिर इसके अलावा बात कर लेते हैं रमीज राजा के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें रमीज राजा जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है ना सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं उसके बाद से लेकर अगर अभी तक बात की जाए तो रमीज राजा ने अपनी पहली मीटिंग में जिस तरह से प्लेयर के साथ एंगेज हुए, उनको अपने क्लियर विजन बजाया और उनको बताया कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलो। और जब ये खिलाड़ियों की ग्रुप बुनिया होती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, ग्रुप बुनिया ख़त्म की और फ्रेंडशिप का माहौल कायम किया और प्लेयर्स को खुली छूट दी कि आप जिस तरह की क्रिकेट खेलते हो और मॉडर्न क्रिकेट टीम बन गई जिस तरह से पाकिस्तान की टीम सामने आई है। और हम तनकीद करते रहते हैं कि फलाने प्लेयर को थोड़ा सा स्टे करना चाहिए, फलाने प्लेयर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन रमीज राजा हमारे 92 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं। जिस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, इस तरह का माहौल कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। और उन्होंने एक एंगेज किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाएं। देखें ये वो टीम थी जिसे हम तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो है लेकिन इसको सर्वाइव करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऐसा जादू भूखा है। पाकिस्तान की टीम ना सिर्फ सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस देती है बल्कि पाकिस्तान के जो मेन टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड कप का आप लगा रहे हैं, फिर इसके अलावा अगर बात करते हैं एशिया कप के जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और पाकिस्तान के बाहर बॉलर जो है ना कमाल की बॉलिंग करते हैं। और पूरे इस हवाले से एरन विंच ने भी ये बयान दिया, मैं आपको साथ बताता चाहूँ कि एशिया कप ने उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम में इस टाइम पर 5 खतरनाक प्लेयर हैं जो किसी भी टाइम पर यक वक्त जो है ना पाकिस्तान की टीम को जितवा सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 1-2-3 पे जो कौन है T20 में, ठीक है, ODI में बात कर रहे हैं 1-2-3 कौन है, टेस्ट में बात कर लें 1-2-3 कौन है, बॉलिंग में बात कर लें तो शहनशाह आफरीदी हैं, टेस्ट में बात की जाए तो हसन अली भी परफॉर्मेंस देते हैं, T20 में बात की जाए तो पाकिस्तान के हारिस रूफ, शहनशाह आफरीदी जितने भी बॉलर्स हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ODI में बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के 5 नहीं, पाकिस्तान की ऑलमोस्ट टीम जो है ना डेंजरस बन चुकी है। और अब ये वक्त दूर नहीं है कि बाबर आजम 11 जो है ये टॉप पे आएगी और जो है ना टीम के खिलाफ पाकिस्तान की खिलाफ खेलने से पहले जो है ना पूरा प्रॉपर जो है ना एक प्लान देंगे कि किस प्लेयर को कैसे आउट करना है। देखें रिजवान बैकबोन है, सुपरमैन है, ठीक है, फिर इसके अलावा शानवाज धनी परफॉर्मेंस दे रहा है, शहनशाह आफरीदी परफॉर्मेंस दे रहा है, हारिस रूफ परफॉर्मेंस दे रहा है, वसीम जूनियर बात कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जो है ना इस टाइम पे आउट क्लास टीम है इस टाइम पे और डेंजरस टीम बन चुकी है। और देखते हैं कि वर्ल्ड कप 2022 में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट ऑल टीम्स जो हैं वो सारी जो है ना अपने एशिया कप का स्क्वाड फाइनलाइज कर रहे हैं और जो है इसी तरह से उन्होंने भी फाइनलाइज कर लिया साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने भी। तो मुझे हैरानगी हुई है कि उन्होंने तुम्बा बहुमा को जो है ना दोबारा से कैप्टन बना लिया है, जिसको टीम में से निकाला था फिर उसी को जो है ना टीम से सवार भी कर लिया है। ये हैरानगी की बात है। हालांकि जो है ना किलर मिलर जो थे, डेविड मिलर जो थे जिसको किलर कहते हैं, जो छक्के मारता है बहुत खौफनाक छक्के मारता है, जब हावी होता है बॉलर्स के ऊपर तो बॉलर को कहीं का नहीं छोड़ता, तो उसको कैप्टनसी से हटा के उन्होंने जो है ना ये टुम्बा बहुमा को 4 फुट के कद का जिसके हाइट है उसको उसकी ना बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस है तो ना उसकी कैप्टनसी में जो है उस तरह की टीम जीतती है तो उसको कैप्टन बना दिया है अगेंस्ट। ये अजीब गरीब इनका सोच है। लेकिन उन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट की है वो मैं बता दूँ, टुम्बा जो है बहुमा जो है ना उनके कैप्टन होंगे, फिर उसके साथ जो है ना क्विंटन डिकॉक होंगे, रीजा हेंड्रिक्स होंगे, फिर उसके अलावा जो है हेडन क्लासन होंगे, किशन महाराज होंगे, एडन मार्करम होंगे, डेविड मिलर होंगे, लोग नगेडी होंगे, फिर उसके अलावा बात की जाए तो नोकिया होंगे, फिर अगर बात की जाए वाइन पार्नेल होंगे, डेविड फिर प्रिटीशियस होंगे, काबिस्को रबादा होंगे, रायली रूसुफ होंगे, मुल्तान के सुल्तान ऑफ क्रिकेट लिफ्टी, ये इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में खेलेंगे और बड़ा इंपैक्ट क्रिकेट करेंगे साउथ अफ्रीका की। और साउथ अफ्रीका का बहुत डेंजरस स्क्वाड है। और बात की जाए तब्रेज शम्सी हैं, तरस्तान स्टूबस भी हैं और इनका जो है तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 और 16 मेंबर का ये इनका स्क्वाड है और बड़ा डेंजरस है। इनमें अगर बात की जाए तो टिम्बा बहुमा एक जो है ना इन्होंने बीमारी सेलेक्ट की है, उस बीमारी को कैप्टन भी बना दिया, मजे की बात ये है टिम्बा बहुमा, ठीक है, लेकिन देखते हैं अच्छा प्लेयर है, उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, टीम के लिए खेलता है, अच्छा होगा उनका अपना क्रिकेट बोर्ड है। और क्विंटन डिकॉक भी बड़े डेंजरस हैं, रीजा हेंड्रिक क्लासन भी बहुत है, ये मेरे फेवरेट हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, क्लासन भी हैं, किशन महाराज भी हैं, एडन मार्करन, डेविड मिलर, निकिटी भी हैं, नोकिया भी हैं, वाइन पार्नल भी हैं, डेविड प्रिटी
प्रिटोरियस भी हैं, रबाडा भी हैं, और आलिर यूसुफ, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, पाकिस्तानी इनको बहुत पसंद करते हैं, मिलर को भी बहुत पसंद करते हैं। पेशावर जल्द की तरफ से क्रिकेट खेली थी इन्होंने, तबरेज़ शम्सी और तरस्तान टूबस भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका स्क्वाड, ठीक है। तो ये वाली मैंने कहा है कि आपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दूं। तो नाज़रीन, जैसा कि इस मेरे चैनल पर क्रिकेट विद नदीम पर आपको मिलती हैं क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स, क्रिकेट न्यूज़, रैंकिंग और जो भी रिकॉर्ड बनता है, एशिया कप के हवाले से आपको मैचेस पर एनालिसिस मिलते हैं, जैसा कि आज मैंने जो है ना ये शामिल किया। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा आज का प्रोग्राम टॉक शो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मेरा फेसबुक का पेज है, वहाँ पर क्रिकेट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मेरे पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का जो मैच है उसके बाद मिलते हैं, तो देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज कौन सी तब्दीलियाँ होंगी, उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जज़ाकअल्लाह।